हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल वन 2019 में ओरिजिनल प्लस रिप्लेसमेंट पैनल और साथ में एडिशनल डीवी भी 7 मई को है। तो आपका 5 मई का आ गया है ओरिजिनल और रिप्लेसमेंट पैनल। एनएफआर की बात कर रहे हैं, गुवाहाटी की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को उम्मीद था कि गुवाहाटी में और डीवी भी आएगी, तो देखिए 7 का डीवी चल रहा है, कम ही लोगों का है लेकिन 7 को भी डीवी है। और उसके अलावा भी अभी अप्रूवल पोस्ट हुआ तो आगे भी होगा, तो उम्मीद है कि एनएफआर तो ठीक ठाक प्रोग्रेस में आ गया। पहले स्लो हो गया था बीच में, लेकिन 2024 में इन्होंने लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा कर दिया। वेबसाइट पे देखिएगा, 3 अपडेट है। एक अपडेट आपका है आरआरसी से ही तीनों, एक तो डाउनलोड आप 7 तारीख वाले डीबी का ही एडमिट कार्ड सब लोगों ने कर लिया होगा, 7 जून को पहुंच गए होंगे। मई लिखा हूँ मैं, जून का है। उसके पहले भी जो डीबी आई थी वो आपका देखिएगा बहुत दूर नहीं था, 29 मार्च को था, यानी इस साल में 2 डीबी हो गए। उससे पहले अगर मार्च से पहले देखेंगे तो एक और था, 4 डीबी से पहले एक और क्या आया था, एक मिनट, पार्ट पैनल 4 और 3rd डीबी भी आ गया था लगभग। तो ठीक ठाक है, 4th डीबी के बाद अभी पैनल आ गया है, तो अभी 5th डीबी भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे रिप्लेसमेंट और ये आपका पैनल की बात कर रहा है, प्रोविजनल पैनल और रिप्लेसमेंट पैनल का, यानी रिप्लेसमेंट पैनल 1 हो गया है और प्रोविजनल पैनल 5 हो गया है। दोनों का एक एक करके डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कमी कैंडिडेट का, अब हो रहा है संख्या कम हो रहा है। 5 तारीख के डेट में आप देखेंगे पहले प्रोविजनल पैनल 5 में टोटल 36 लोगों को लिया है, यानी ये प्रोविजनल पैनल किसको बोल रहा है, ये बोलने का मतलब सभी लोगों को मिला के है, टोटल इंक्लूडिंग करके है, पीडब्ल्यूडी वगैरह सीसीए सब मिला के। तो ये प्रोविजनल पैनल वो है जो ओरिजिनल वैकेंसी का था, यानी ओरिजिनल वैकेंसी में मान लीजिए 100 पोस्ट दिया है, 100 पोस्ट को भरने के लिए ये 36 का पैनल दिया हुआ है, ये देखिएगा ध्यान से। और नीचे इनका लिस्ट दिया हुआ है, इनकी आगे की कार्रवाई डिवीजन से की जाएगी। इसके बाद आरआरसी आपके कम्युनिकेट नहीं करेगा, आपका फाइल भेज दिया जाएगा डिवीजन से, डिवीजन से आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। तो ये तो हो गया प्रोविजनल पैनल का, लेकिन रिप्लेसमेंट पैनल कब दिया जाता है ध्यान दीजिएगा। रिप्लेसमेंट पैनल की बात करेंगे, यहाँ पे एक बार ओपन हो जाए, अभी हमने कमाई से डाउनलोड कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल है, ये भी आपका 5 तारीख का है, लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल में 89 कैंडिडेट का है। 89 वो कैंडिडेट हैं, रिप्लेसमेंट मतलब बदलना होता है, सब लोग जानते हैं रिप्लेसमेंट मतलब बदलना। एक कैंडिडेट को पहले पैनल में जारी कर दिया गया था, वो कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं किया, ज्वाइनिंग करके छोड़ दिया 1 साल से पहले, या और बहुत सारी स्थिति हुई है, उस जगह को भरने के लिए रिप्लेसमेंट पैनल हुआ है। यानी समझ गए होंगे कि रिप्लेसमेंट और प्रोविजनल में क्या डिफरेंस है। प्रोविजनल वो जो ओरिजिनल वैकेंसी है, और रिप्लेसमेंट वो जो पहले से पैनल में दे दिया गया लोग प्रोविजनल पैनल से, उसने ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिया, उनकी कोई और इशू हो गई या पैनल से हटा दिया गया, कुछ एरर रहा होगा वगैरह वगैरह, उसके जगह पे रिप्लेसमेंट पैनल आ गया। यानी एक नियुक्ति के अगेंस्ट अगली नियुक्ति को रिप्लेसमेंट पैनल के नाम से दिया है, और ये सारा डिटेल है। तो कुल मिला के कहे कि गुवाहाटी में अभी उम्मीद बाकी है क्या 5th डीबी का, तो अभी मैं कहूँगा है, लेकिन वो संख्या 100 के अंडर ही होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं जब तक स्पेशल कोई अप्रूवल ना हो। स्पेशल अप्रूवल होगा तो सब वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो सकता है, जैसा कि कैंडिडेट के डिमांड करनी चाहिए कि हमें वेटिंग लिस्ट क्लियर करना चाहिए। वेटिंग तो नहीं है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई है उनको जॉब देना चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। तो ये 7 जून की अपडेट है, तो 7 जून को मैं यहाँ पर कर दूँगा अपडेट। थैंक यू, धन्यवाद।